अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब आप? खैरियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ। आज लाया हूँ आपके लिए एक यूनिक रेसिपी, स्पेशल केक बनेगा इंशाल्लाह आज, और बगैर ओवन के, बगैर गैस यूज किए। और ये बिस्किट, चॉकलेट्स जो हर किसी के फेवरेट होते हैं, और हमारे ब्रेड जो हम डेली बेसिस में यूज करते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा, हमें ब्रेड की जो सिग्नल है जो उसको कट करने हैं। अक्सर लोग बच्चों को पसंद नहीं आते, उसको हम अलग कर देते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप हमारा ये, इस तरह से आपने सारे किनारे अलग कर देने हैं। इससे आपकी केक में और जान आ जाएगी, और सॉफ्ट सॉफ्ट से जो केक जो जैसे आप बेकर वगैरह से लेते हैं एज इट इज़ वही बनेगा इंशाल्लाह। जब अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, या मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए कि आगे भी आपको यूनिक रेसिपीज बना के आपको सिखाऊँ। इंशाल्लाह कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको यूनिक से यूनिक चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें आपको ला के दिखाता रहूँ मैं। इस तरह से सारे आपको किनारे कट करते रहने हैं, नो के नो आपको सारे आपने कट कर लिए। इसके भी एक यूनिक रेसिपी आपको एक और बताऊंगा इंशाल्लाह, हार्ट शेप कैसे बनता है सबको बताइएगा, छुपाइए किसी से नहीं, सबको बताइए कि हमने कैसे बनाया, और सबके दिल जीत लीजिए इंशाल्लाह, आपके हाथ चूमेंगे लोग। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसका जो इस रेसिपी के जो दिलचस्प है, इसके अंदर एक स्टेप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये है आपका हार्ट शेप बनाने का तरीका, बिल्कुल जो आपको बना यूनिक तरीका, सबको बताइएगा। सिंपल आपने ये कटोरी ली, एक छोटी सी सिंपल सी, तो सिंपल हमने घर में सबके घर में मौजूद होती है। आपने कटोरी को इस तरफ रखना है, यहाँ से इसको इस तरह से काट लिया हल्का सा, ये राउंड शेप में यहाँ से शेप करके इसका काट लीजिए, आपका शेप तैयार है। ऐसे कट कर दीजिए थोड़ा, इस तरह से शेप तैयार है। देखिए प्याली की मदद से हमने ये इसका राउंड शेप निकाल लिया है। कुछ ब्रेड्स को आप एजेड रख दीजिएगा, और तीन ब्रेड्स को आप इसको राउंड शेप में काट लीजिएगा, और आपके बाकी ब्रेड एजेड रख दीजिएगा। ये आपका देखिए हार्ट शेप तैयार है। स्टेप वन में हमने इसके किनारे अलग कर लिए, स्टेप टू में हमने हार्ट शेप भी बना लिया, इसका आ गया स्टेप थ्री, ओरियो बिस्किट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और सबको ये मेरे सबसे फेवरेट बिस्किट है ये ओरियो बिस्किट। इस तरह देखें, या आप एक दो जितना आप जितनी क्वांटिटी आपने रखनी है इसके हिसाब से अपने बिस्किट रख लीजिएगा। ये देखिए सारे पैकेट में खोल रहा हूँ, सबसे पहले आपने इस तरह से इसके अंदर हम इसकी क्रीम यूज नहीं करनी, सिंपली इसको आपने इस तरह से अलग करना है। ये जो क्रीम अंदर होती है इसको आपने इस तरह से अलग करना है। इसकी क्रीम सारी निकाल दूंगा, और ये क्रीम भी ज़ाया नहीं करेंगे हम इंशाल्लाह, इसको हम इसको अपनी टॉपिंग में यूज़ कर देंगे। सारी बिस्किट भी अलग कर रहा हूँ, एज इट इज़ को सीधा सारे बिस्किट से हम क्रीम अलग कर लेंगे। मैंने जैसे मैंने आपको बताया इसकी साड़ी में क्रीम अलग कर ली है, इसकी क्रीम को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसकी क्रीम को हम टॉपिंग में यूज़ कर लेंगे। और अब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह, इसको ग्रैंड ग्रैंड करने के बाद ये देखिए इस तरह से तोड़ दीजिए, और इसको ग्रैंडर में ग्रैंड कर लेंगे इसको भी। देखिए हमने जो आपको और ये बिस्किट का क्रीम अलग करके दिखाई दी, और ये बिस्किट हमने ग्रैंड कर लिए, इस तरह का ये मिक्सचर बन जाएगा। ये आप इसको अलग फिर साइड में रख दीजिए। अब इसके बाद मैं ये चॉकलेट का कद्दूकस कर लूँगा, और डेरी मिल्क चॉकलेट या आपको जो फेवरेट कोई हो दूसरा ब्रांड यूज करना चाहिए वो भी यूज कर सकते हैं। चॉकलेट को हम कद्दूकस कर लेंगे, बिल्कुल बारीक से कर लेंगे इसको। केक को सॉफ्ट करने के लिए हमें शुगर सिरप बनाना पड़ेगा, इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून शुगर ले ली है। इसमें पानी ऐड करूँगा, पानी ऐड करके इसको बिल्कुल यकजा कर दूंगा, बिल्कुल ही सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसे केक को एक जगह बिल्कुल सेट करने के लिए हल्का सा आपने पहले नीचे कर दें, इससे आपका केक बिल्कुल फ्रेम पे स्टील हो जाएगा। इसलिए स्ट्रेट करने के लिए नीचे आपने बेस्ट लगा दीजिए, इतने सारे स्टेप ये आपके हार्ट शेप रेडी हो जाएगा। इसे इसके बाद ये आपका शुगर सिरप है, बिल्कुल मामूली सा हल्का सा लगाना है, केक
केक में ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाएगी, ज़्यादा नहीं बिल्कुल नॉर्मल सा। ये आपको फर्स्ट लेयर हो गया। सेकंड लेयर में एज इट इज़ वही चीज़ करनी है मैंने, तरीके से इसकी जो आपने चेक बनाया चॉकलेट का मेयर, इसमें हल्का सा आपने दूध ऐड करना है और जो ओरियो के बिस्किट हमने पैकेट खोले थे इसी हमने मिक्स करके हल्का सा नॉर्मल दूध, ज़्यादा नहीं, इसी तरह से सारे लेयर्स में तैयार करूँगा। ये फर्स्ट लेयर तैयार है उसकी, सेकेंड लेयर इसकी तैयार कर रहा हूँ, इसमें रखना नहीं रही, इसी सेकेंड लेयर तैयार हो रही है, फर्स्ट लेयर मैंने इसकी तैयार कर ली। एज इट इज़ वही प्रोसेस होगा जो हमने नीचे यूज किया, अचानक से घर में पार्टी है, कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है, झटपट आपने रेडी करना है, बिल्कुल आपके घर में ब्रेड और चॉकलेट तकरीबन सबके घर में मौजूद होती है। ये देखिए इसी तरह सारे लेयर्स आपको तैयार करते रहने, प्रोसेस वही होगा, सिर्फ आपके लेयर्स पे लेयर, किसी को पता भी नहीं चलेगा, आप इतनी झटपट और ईजी तरीके से इसको रेडी कर दिया। इसके देखिए मैंने तीन से चार लेयर्स की लेयर तैयार कर दी है, अब इसको ऊपर से पूरा कवर कर देंगे, उसके बाद इसके हम सेट करने के बाद इसकी टॉपिंग करेंगे। इंशाल्लाह बच्चों को, आपके घर में जो गेस्ट वगैरह आएंगे उनको बड़ा प्यारा लगेगा, उनको पता भी नहीं चलेगा आपने ब्रेड से बनाया है, कि इसकी डो बिल्कुल एज इट इज केक जो बनता है एज इट इज ही बनेगी इंशाल्लाह। देखिए हमने केक को फ्रीज करने के बाद 10 से 15 मिनट को हमने फ्रीज किया था, इसके बाद इसकी हम टॉपिंग करने जा रहे हैं। ये देखें जो आप मैंने कहा था डेयरी मिल्क की चॉकलेट या कोई और चॉकलेट लेना चाहिए वो भी कर सकते हैं आप, क्योंकि आपने कद्दूकस कर लिया पूरा, कद्दूकस करके इसके बाद इसकी हम टॉपिंग करेंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से कुछ भी इसमें लगा सकते हैं, कुछ भी करना चाहें अपने हिसाब से, आपकी जो चीज़ पसंदीदा चीज़ हो उसी की भी आप टॉपिंग कर सकते हैं। मैंने इसको बेसिकली चॉकलेट में सेट किया हुआ, तो आप इसी चॉकलेट से टॉपिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा बच्चे वगैरह आप सारे खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बेकरी वाले जो बेकरी वाले से आप रेस्टोरेंट पीछे वाले केक लेते हैं वो एज इट इज़ वही चीज़ आपको, वही लुक मिलेगा, वही जायका मिलेगा इंशाल्लाह। आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे मज़ीद सपोर्ट कीजिए कि मैं आपके लिए यूनिक डिशेज लाता रहूँ। देखिए चॉकलेट फिलिंग करने के बाद ही आप सिंपल सी अपने हिसाब से कुछ भी टॉपिंग करना चाहिए, वो जो हमने क्रीम निकाली थी और ये बिस्किट के अंदर से इसी के हमने छोटी छोटी ये बंटी स्टाइल बना दी है, वही अगर अपने हिसाब से कुछ भी आप करना चाहें वो भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं जो भी यूज़ कर रही हूँ मीठी मीठी बंटियाँ हैं और डिफरेंट चॉकलेट्स वगैरह हैं, बाकी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मज़ीद सपोर्ट करें कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी डिश लाता रहा हूँ और आपकी ताउन की बहुत ज़रूरत है इस वक्त मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए मैंने अपनी डिश रेसिपी तैयार करके रेसिपी रेडी कर ली है, आपके सामने तैयार है बिल्कुल ये, अभी आप घर में ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।